इतने लोग आ गए। ओके, तो जितने लोग भी आए मैंने समझाया, वो समझ में आया क्या सिखाया? हाँ सर, थोड़ा बहुत हाँ समझा, थोड़ा बहुत आइडिया। ये हाँ लॉग यही समझ। होता है, तो इस तरह से आप लॉग की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो रफली, कभी भी अटक गए तो। बट ऐसा करना नहीं कॉलेज लेवल पे, ऐसा करना नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉलेज में कोई नंबर आया, आपने ये जो मैंने ट्रिक सिखाया उसे कर लिया, नहीं चलेगा। कॉलेज में आपको जैसा सिखाया लॉग वैसे किया जाता है, इसलिए मैं सिखाता नहीं हूँ जनरली, मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिखाता हूँ। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, बात अलग है, ठीक है। बट ऐसा करना नहीं, आपको स्कूल कॉलेज लेवल पे जो भी है वो वैसे ही करना है जैसा है, पूरा लॉग की वैल्यू निकाल के सब ऐड करके फाइनली एंटी लॉग निकाल के वैसे करना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, ऐसा कुछ डायरेक्ट करने मत जाना। ओके, मैं बोल रहा था कि किसी ने पेपर चेक किया था नीट में, ऐसा कोई पेपर, ऐसा कोई क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम वाला, किसी ने पूरा पेपर देखा है क्या अच्छे से केमिस्ट्री का? रुको तो मैं निकालता हूँ वापस, देखते हैं। मुझे ऐसा डाउट है कि था, फिर पता नहीं, शायद हो सकता है मैंने कहीं और देखा हो। कौन सा है इसमें से पेपर? ये हो सकता है, देखते हैं हुआ तो आप लोग सॉल्व करोगे अभी। ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का ही, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सॉल्व करना सिखाया है मैंने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज देन डेल्टा जी। ये रहा मेरा क्वेश्चन, ये है ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, सुक्रोज प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि इक्विलिब्रियम दिया है 2 × 10⁰³ एट 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट सेम टेम्परेचर। अभी आपको पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है ना, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। चलो पूरा सॉल्व करना ही नहीं है आपको, वैल्यू निकालनी नहीं है, देखो ऑप्शंस किस फॉर्मेट में, ट्राई करो। चलो टाइम देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ, ठीक है। हुआ तो ठीक नहीं है भाई, तो मैं करूँगा, मुझे लगा ही था क्वेश्चन था ऐसा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है शायद, थोड़ा सा अलग है। क्या इक्वेशन था हमारा? डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, माइनस आर टी अपॉन आर टी था शायद से, है आर टी एल एन के डायरेक्ट ही है, कहाँ कुछ है एल एन के इक्विलिब्रियम, कुछ ऊपर नीचे है, स्ट्रेट है। अरे बाप रे, क्या क्वेश्चन आया! मतलब पहले तो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए कि आगे माइनस है, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। चलो करो,
सर एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढने का है? नहीं नहीं ऑप्शंस देखो ना, कहाँ एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढने की जरूरत है, अरे कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। आप देखो आर की वैल्यू कितनी होती है, 4 थी है ना, 8.314 हो जाएगा है ना, और टी कितना है उन्होंने दिया 300 है ना, एलएन ही है, और के इक्विलिब्रियम उन्होंने दे रखा है 2×10^13 है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, दम ही नहीं है, समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। देखो सोचो क्या क्वेश्चन आया अभी, 126 देखो, भले ही इससे रिलेटेड ही है, कोई भी आंसर बता सकता है इसका। कैसे? हमें पता है कि हीलियम क्या है, नोबल गैस। नोबल गैस कभी किसी उसके साथ, उसके जैसे वाले नोबल गैस के साथ जुड़ के Hc2 बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, ऑब्वियसली आंसर यही होगा ना, आइडेंटिटी ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, Hc2, ऑब्वियसली वही आंसर है। क्या दिमाग लगाने की जरूरत तक नहीं है, समझ में आया? देखो क्वेश्चन आया था एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो सिखाया उसी पर बेस्ड है, और एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं, उन्होंने तो क्या मस्त दिया है, कम से कम एटलीस्ट एग्जैक्ट निकालने तो बोलते हैं, खाली वैल्यू फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज पुट करनी थी, विद इन 10 सेकंड ये आंसर आ सकता है अगर किसी को फॉर्मूला है ना, अगर याद आ जाता है टाइम पे तो। ठीक है चलो, इतना समझ में आ गया, ये डेल्टन्स लॉ पे बेस्ड है, ये भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, करोगे करके मुझे बताओगे अगर कोई डाउट आया तो। ये वाला बता सकता है कोई, 104 का आंसर, हालांकि आंसर तो दिया है, एक्सप्लेनेशन कर सकता है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका नाम बता देगा तो ही मेरे को समझ में आ जाएगा कि उसको आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर एसीटोन के साथ रिएक्ट करते तो क्या बनना चाहिए? ये तो आंसर दिया है, टर्शियरी अल्कोहल बनता है ना, पता है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कांसेप्ट एकदम इजी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी अगर किसके साथ रिएक्ट होता है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर कभी भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बताओ? चलो एनीवन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसलिए अगर आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है तो क्या बनता है? सीखो कोई आइडिया? एल्केन। क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल? अगर आपको मैंने अल्डिहाइड दिया, अल्डिहाइड ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड और अल्डिहाइड में डिफरेंस है, फॉर्मल्डिहाइड आपको पता है ना एक ही कार्बन का होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड तो कोई भी हो सकता है, एक कार्बन का, 10 कार्बन का, 15 कार्बन का, 5 कार्बन का, कोई अल्डिहाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? अल्डिहाइड तो सबको पहचानने आता ही है ना, कैसा दिखता है अल्डिहाइड? CHO लास्ट में लगा रहता है, क्या बनता है हमेशा? 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल बाय रूल है ये। तीसरा कीटोन दिया, समझो आपको कीटोन, कीटोन के साथ अगर RMGX दिया तो क्या बनता है हमेशा? अभी तो बता ही सकते हो क्या आंसर आएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये रूल है, हमने से याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, अल्डिहाइड कोई भी दो उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन के साथ, कीटोन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? एसीटोन, एसीटोन क्या है? एक तरह का कीटोन, कीटोन के साथ कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जुड़ता है हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, उन्होंने एसीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला था, एसीटोन क्या है? एक तरह का कीटोन है ना, कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनना चाहिए? 3 डिग्री अल्कोहल, एक ही ऑप्शन था। समझ में आया मैंने क्या बताया? ये भी कंसेप्ट अभी जो मैंने समझाया, याद रखो ये, ऐसी टाइम वेस्ट के लिए कभी कुछ नहीं बताता, ये भी ध्यान रखना, अगर बताया तो कभी पूछ भी सकते हो आगे, ठीक है? समझा ये क्या बोला? यस सर। हाँ सर। तो ये पेपर कोई सॉल्व कर सके तो करना, और डाउट आए तो वो भी बताना मुझे, तो करना प्लीज, रिक्वेस्ट है,
जितना आपका हुआ है, जितना भी आपको आता है उतना करना, जितना भी आपको आता है थर्मोडायनेमिक्स हो तो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन है तो सोल्यूशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना जितना आपसे होता है, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक, जो भी आपको आता है वो करना, और मुझे बताना कि मुझे ये नहीं आया, ठीक है। चलो वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इससे आपका ही बेसिक्स अच्छा होगा। ओके तो हमारा ये भी हो गया, ये होमवर्क है आपका, मैंने बता दिया आपको, आपको ये वाला और ये दोनों के दोनों आपको इक्वेशन जो है आपको लिखने हैं, ठीक है, वन टाइम, और आपको इसमें चेंजेस भी करने हैं, जैसे यहाँ पे के इक्विलिब्रियम लिखना जरूरी है, ठीक है, इन्होंने वो नहीं दिया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, वो भी लिखना। चलो हो गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया होगा, क्यों कि इससे पहले ई सेल निकालना पड़ेगा, क्या है क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, एक मिनट। अब क्वेश्चन पढ़ते देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी यहाँ पर डेल्टा जी निकालना है, वो भी स्टैंडर्ड है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, मतलब है ना, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेल रिएक्शन, आपको सेल रिएक्शन दिया है ना, सेल रिएक्शन दिया है उसके लिए निकालना है, सिंपल है। पहले तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले ई नॉट सेल, है ना। एक चीज है, मेरे को लगा ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ये क्वेश्चन लंबा कब हो जाता, जब वो लोग पूछते खाली गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, उन्होंने तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछा तो इजी हो गया, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी तो कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकलता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैसे पता चलेगा कौन कैथोड कौन एनोड, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है ना, दोनों ही माइनस में, दोनों ही माइनस में, जो ज्यादा माइनस है वो छोटा वैल्यू है, नॉर्मल मैथ्स वाला रूल, जो ज्यादा माइनस है इसका मतलब वो वैल्यू छोटी है, मतलब अगर हम देखने जाए इसमें कैडमियम और टिन दिया है ना एसएल, तो इसमें, या फिर आप ऊपर वाला रिएक्शन देख लो, अगर उससे कंफ्यूजन होता है तो ऊपर वाला रिएक्शन देखो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, अगर आप ऊपर वाला रिएक्शन देखो तो उसमें पता चल रहा है क्लियर कि कैडमियम जो है कैडमियम से सीडी प्लस टू बन रहा है वो, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन लूज किए मतलब उसने ऑक्सीडेशन किया, और ऑक्सीडेशन मतलब वो एनोड है, मतलब कैडमियम एनोड है, और टिन क्या है, कैथोड है ना, तो कैथोड की वैल्यू आपके पास है, एनोड की वैल्यू आपके पास है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ऑन द अदर, दूसरी तरह से भी कर सकते थे जो मैंने अभी समझाया, वैल्यू देखो कैथोड की और कैडमियम की और एसएन की, जितनी ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा छोटी वैल्यू है, नॉर्मल मैथ्स वाला कंसेप्ट, जैसे बोलते हैं माइनस फाइव और माइनस थ्री, ज्यादा छोटा कौन, माइनस फाइव, वैसे इन दोनों वैल्यूज में आप देख सकते हो क्लियर ज्यादा छोटा कौन है, कैडमियम, मतलब ज्यादा बड़ा वैल्यू कौन सा है, एसएन का, क्योंकि गड़बड़ स्टूडेंट यहीं पे करता है, जब दोनों वैल्यू माइनस में आ जाती है तो कंफ्यूज हो जाता है यार इसमें बड़ा कौन छोटा कौन, तो मैं बता देता आपको नॉर्मल मैथ लगाना, ठीक है ओके। एसएन की बात करें तो एसएन ज्यादा वैल्यू, ज्यादा वैल्यू तो फिर वो कौन है, ज्यादा वैल्यू मतलब रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा मतलब वो कैथोड है, और रिएक्शन से भी वही प्रूव हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो आपको ई कैथोड माइनस ई एनोड करना है, उससे आपको ई नॉट सेल मिल जाएगा, है ना, और आपको क्लियर कट उस रिएक्शन से पता चल रहा है, हालांकि आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा रिएक्शन करके, मुझे ये बताओ इस रिएक्शन के हिसाब से जो ऊपर दिया है एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टू, टू है ना, सिंपल है, आप देख सकते हो उसको प्लस टू चार्ज है, सब में कुछ है ही नहीं, तो टू होगा, तो एन मिल गया। एफ हमें पता होता है बाय डिफॉल्ट 96500, ई नॉट सेल मिल गया तो डेल्टा जी मिल जाएगा, डेल्टा जी मिल जाएगा, उसके बाद डेल्टा जी मिल गया तो हमें पता है एक इक्वेशन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303, माइनस 2.303, उसके बाद क्या था आगे, वो जो पूरा वो इक्वेशन है
या फिर आप वो सब याद रखने से अच्छा डायरेक्ट वही रखो, क्या था वैल्यू 0.0592 अपॉन एन, 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम, है ना। तो उससे हमारा डेल्टा जी हमारे पास है, तो 0.0592 तो नंबर ही है, इसके नीचे एन है, एन निकाल के रखा है, के इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वो जरूरत पड़ेगी जो मैंने सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। पहले चलो ई नॉट सेल निकालो, चलो जल्दी पहले ई नॉट सेल निकालो सब लोग, एक बार पहले ई नॉट सेल निकालो, मुझे मैसेज करके आंसर बताना, बोलना नहीं, ई नॉट सेल निकालो चलो जल्दी। उसके बाद डेल्टा जी निकालोगे, पहले ई नॉट सेल सब लोग, ओके। आयुष आप आगे करो फिर, आपका आंसर अगर आया है वैसे रुक जाओ, दो तीन लोग का और आंसर आने दो ताकि पता तो चले राइट है कि नहीं। चलो दो लोगों का आंसर मैच हो गया तो ऑलमोस्ट राइट ही होगा, ठीक है। मैं फिलहाल हटा नहीं रहा इसको इसलिए, ठीक है। दो लोगों ने निकाला, आप दोनों क्या करोगे, डेल्टा जी निकालो, डेल्टा जी निकालो, जिनका डेल्टा ई निकाल के हो गया डेल्टा जी निकालो। जो लोग कैलकुलेशन में वीक है ना, प्लीज घर पे मेहनत करो ना फिजिकल के क्वेश्चंस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कैलकुलेशंस वीक होता है, प्रैक्टिस करोगे सब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि अभी तक दो लोग का ही आंसर आया और यहाँ पे काफी लोगों का आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ, जो है कुछ लोग जो आंसर देते हैं हमेशा, दो लोग का आंसर आया सिर्फ। यहाँ पे काफी लोग हैं जिनका आंसर आ सकता है और अभी भी है, जिनका हो गया वो लोग डेल्टा जी निकालो। तनाया आपका आंसर आना चाहिए, फिर रुखसार आपका आंसर आना चाहिए, ये लोग आंसर देते हैं, तनाया, ईशा, आयुष, यतीश, रुक्सा, इसमें से सिर्फ तीन लोगों का आंसर आया है। ठीक है, जिनका भी आंसर आया है कोई बात नहीं, जिनका भी आंसर आया है आप लोग डेल्टा जी निकालो। ओके किसी का भी डेल्टा जी आया क्या? डेल्टा ई तो काफी लोगों का मैच कर रहे हैं। पूरा ही हट जाता है। हाँ डेल्टा ई आप लोगों का सही है, इन्होंने भी फाइंड किया है। डेल्टा ये जिनका भी 0.267 है आप राइट हो, डेल्टा जी बताओ। तो एग्जाम में उल्टा से उल्टा कर दिया ना तो डेल्टा ई भी रॉन्ग हो जाता है। हाँ देखा ना कैसे फाइंड किया हमने, ऐसा पूरा ध्यान रखना। इन्होंने तो सॉल्यूशन में सेल फॉर्मूला वॉर्मूला सब लिख रखते हैं,
क्वेश्चन में बोला कहा है सेल फॉर्मूला लिखने के लिए, लिखा होता है तो करना होता है। ओके एक आंसर आया, आयुष यूनिट के साथ आंसर दो। यूनिट क्या हो गया आयुष? एनर्जी है ना, एनर्जी है तो जूल। ठीक है, दो लोगों का आंसर आ गया। चलो काफी वेट कर लिया एक क्वेश्चन के पीछे, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ है आप घर पे करो, नहीं आता है तो मुझे पूछो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू है आप लोग के सामने यहाँ पर माइनस में आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आया आप लोगों का। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो डेल्टा जी तो नेगेटिव आना ही है ना, वो भी मत भूलना। माइनस नहीं लिखा तो भी गड़बड़ कर दोगे, जैसे आयुष आपने और यतीश आपने आंसर दिया बट आप लोगों ने पॉजिटिव आंसर दिया है, नेगेटिव में आंसर आएगा, है ना। इसको वो लोग किलो जूल में भी करना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। किलो जूल में कैसे करते हैं पता ही होगा आपको, है ना। जो भी आंसर आता है उसको 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देने का, यानी पॉइंट तीन के बाद पॉइंट लगा देने का, तीन के बाद। मतलब समझो आपका आंसर, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, समझो आपका आंसर आया 10437, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना तो क्या आएगा, इधर पॉइंट आ जाएगा 10.437, जैसे यहाँ आप देख सकते हो। तो आंसर माइनस में तो माइनस में होना चाहिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन का तीसरा एस्पेक्ट देखो क्या है, डेल्टा ई नॉट इज इक्वल टू वही 0.0592। ठीक है, और ध्यान रखना कहाँ नेगेटिव है कहाँ नहीं है। अब ये जो इक्वेशन यूज करें इसमें नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव नहीं है, सब ध्यान रखना चाहिए आपको कहाँ नेगेटिव आना चाहिए कहाँ नेगेटिव नहीं आना चाहिए। देख लो कैसे किया, मैं पूरा बता देता हूँ क्योंकि यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं। सोल्व, ये लिखा फिर इसको पहले सॉल्व किया, इसकी वैल्यू ली थी वो भी सॉल्व, सॉल्व करने के बाद इनके पास फाइनल नंबर क्या आया है, तो आपको क्या करना है 10^9.0203 फाइंड करना होता है। ठीक है, 90, या फिर आप तो सिंपली एंटीलॉग फाइंड करो ना, एंटीलॉग फाइंड करो। इसकी ट्रिक भी होती है बट बाद में सिखाऊंगा क्या है, वरना आप भी वही यूज करने बैठ जाओगे। एंटीलॉग निकालना तो आपका आता ही है, तो उसका एंटीलॉग निकाल लो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप पूरा सॉल्व करोगे और मुझे अगले क्लास में बताओगे कि आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें तीन तीन क्वेश्चन निकालनी चीजें निकालने बोली थी, सबसे पहले ई नॉट सेल, फिर डेल्टा जी नॉट और फिर फाइनली के इक्विलिब्रियम। अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन बहुत सारे जो सर ने भेजे थे आपको ग्रुप पे, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम में सॉल्व करके आ जाएगा, मतलब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं आराम से कर लूंगा। और जो लोग न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते ना, हो ही नहीं सकता कि उनका मार्क्स कम आए, क्योंकि उनको थियोरी का भी इतना डर नहीं रहता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इतना तो पक्का भी पास हो जाओगे, फिर अगर थियोरी और थोड़ी अच्छी से पढ़ रखी है तो और अच्छा स्कोर आएगा। तो ये ध्यान रखना, जैसे जतिन को देख लो, है ना, पिछले साल जतिन, मैं उस बंदे के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि वो पिछले साल मैंने पढ़ाया था उसको, वो अच्छे से न्यूमेरिकल सारा सॉल्व कर लेता था, थियरी भी पढ़ लेता था, उसका अच्छा स्कोर है 12th का, क्योंकि वो न्यूमेरिकल भी करता था। तो न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, और अगर आप न्यूमेरिकल करना आता है आपको तो आपको सीईटी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सीईटी में इतने हाई लेवल पे नहीं आता है कि अरे इतना सारा कैलकुलेशन नहीं आता, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। देख लो आप नीट का पेपर ही वैसा है तो सीईटी का क्या आएगा, फिर सीईटी तो उससे भी कम लेवल वाला एग्जाम है ना, स्टेट लेवल का एग्जाम है वो, तो टफ बिल्कुल नहीं आता, कॉन्फिडेंस रहेगा पढ़ोगे तो। ओके, तो ये भी टॉपिक हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आप क्या सीखोगे, शी, शी सीखने वाले, ठीक है, एस एच ई, शी क्या है ये, क्या इसको बोलते हैं एन एच ई, तो बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रेफरेंस क्या, वही
कि इतना बड़ा अगर हमने चार्ट बनाया कि इसकी एनर्जी इतनी, जैसे यहाँ पर वैल्यू दी है कैडमियम की इतनी है, टिन की इतनी, कहाँ से आई है? किसी को तो रेफरेंस सिलेक्ट किया होगा, किसी को तो रेफरेंस सिलेक्ट किया होगा, तब तो वैल्यू आई। जैसे मैंने आपको बताया था ना, दुनिया में 1 सेंटीमीटर आया तभी तो सब आए, तभी तो स्केल बना 15 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर ही नहीं आता तो कैसे बता सकते? तो रेफरेंस तो होना चाहिए दुनिया में। सिमिलरली इन सब वैल्यूज को निकालने के लिए भी रेफरेंस होना चाहिए। तो रेफरेंस किसको लिया जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, फिर कैलमोल है, पता नहीं कैलमोल है या नहीं दिया है, दिया है कि इन्होंने कैलमोल या नहीं दिया है, तो अच्छा ज़्यादा नहीं खींचा है, तो कैलमोल भी होता है, उससे भी निकाल सकते हो। फिर तो सीधा थियोरिटिकल एस्पेक्ट आने वाला। ये लास्ट टॉपिक है, ये जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये लास्ट टॉपिक है जो कंसेप्चुअल है, ठीक है। इसके बाद से सब थियोरिटिकल है, सब थियोरिटिकल है, हार्डली कुछ है कंसेप्चुअल, बाकी सब थियोरिटिकल आने वाले, सब रट्टा फाय टॉपिक है इसके बाद। फ्यूल सेल, ये वो सब, सब रट्टू फाय। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में दिया इन्होंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, वो वापस कंसेप्चुअल है, बाकी सब रट्टू फाय। ओके, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या दिया, एवरी ऑक्सीडेशन नीड्स टू बी अकंपनीड बाय रिडक्शन। ऑब्वियसली अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होना ही पड़ेगा। द अकरेंस ऑफ ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इन अ गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, है ना। द सेल द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। For the measurement of potential, two electrode needs to be combined together where the redox reaction occurs. तो वही सब बता रहे कि हमने कैसे construct किया था, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? What would happen if the potential of one of the electrode in a galvanic cell is zero? Simple. अगर किसी एक cell, हमें पता है, ध्यान दो यहाँ पर, उसी पे यही इसका basic है। आपको याद है हम ऐसे दो beaker लेते थे, है ना, दो beaker लिया, ये हो गया salt bridge, और यहाँ एक इलेक्ट्रोड होता था, यहाँ एक इलेक्ट्रोड होता था, और इसको हम कनेक्ट करते थे, है ना, गैल्वेनोमीटर से। अब आप ही समझो, अभी आप ही लॉजिक लगाओ कि अगर इसमें से ये वाला जो पार्ट है, समझो इसका बाय डिफॉल्ट इसका वोल्टेज जीरो है, जीरो वोल्ट मैंने कंसीडर कर लिया, समझो जीरो है। तो अब जब इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी, इस पूरे प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जब मैं करूंगा, करंट फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर पे कोई रीडिंग आएगी, समझो गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग आ गई, कुछ भी ले लेते हैं 4.2, गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग आई 4.2। अब इजी है, अब समझो कि ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल सब कुछ। मुझे पता है कि ई सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल क्या है? ये जो यहाँ पे आ रहा है गैल्वेनोमीटर पे जो रीडिंग आ रही है वो क्या होती है? हमेशा ई सेल, हमेशा वो क्या होता है? ई सेल। तो ई सेल पता है मुझे, है ना। कैथोड, कैथोड की वैल्यू मुझे नहीं पता, एनोड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो है, तो इस तरह से कैथोड की वैल्यू नहीं आ जाएगी, मतलब इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू तो आ जाएगी, मतलब जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वही इस इलेक्ट्रोड की रीडिंग है ना, इसको जीरो कर दिया था। अब आप सोचो अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती तो आप कभी पता ही नहीं कर पाते, क्योंकि कभी भी कोई चीज पता करनी होती तो एक वेरिएबल होना चाहिए ना, दो वेरिएबल होता तो उसके लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन होने चाहिए। बचपन से सीखते हैं ना, जब दो वेरिएबल होते हैं तो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं, एक्स वाई वाला सीखते हैं मैथ्स में, यहाँ कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन है नहीं। तो दो वेरिएबल अगर हो गए, समझो आपके सामने दो वेरिएबल हो जाएंगे, अगर कैथोड भी नहीं पता आपको, एनोड भी नहीं पता, और खाली ई सेल पता है, कैसे निकाल सकते हो? इम्पॉसिबल है। किसी एक को तो हमें कुछ रेफरेंस बनाना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, किसी एक को रेफरेंस बना दिया, और एक को रेफरेंस बना के उन्होंने बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, उसको जीरो, ताकि इसके बाजू वाले का जो भी वैल्यू आएगा वही गैल्वेनोमीटर पे जो भी रीडिंग आएगी वही एक्चुअली उस इलेक्ट्रोड की वैल्यू होगी, रेफरेंस को छोड़ के जो भी है। और ये जो रेफरेंस है जिसको हम जीरो लेते हैं वो एक्चुअली कौन होता है? शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो लोग क्या करते हैं, किसी का भी अगर वैल्यू फाइंड करना है समझो, तो लोग समझो यहाँ पे कॉपर हमने लगा दिया, कॉपर, और उन लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह पर क्या लगा देते थे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देते,
है ना, उसकी वैल्यू उन्होंने बाय डिफॉल्ट मान ली है जीरो, फिर उसको पूरा वही प्रोसेस चालू करते थे, गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग आती थी, जो गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग आती थी वही क्या हो जाती थी, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ऐसे करके आप सब अलग 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 मेथड यूज करते जाओगे, सबकी वैल्यू आती जाएगी, और फिर उन सारी वैल्यूज को एक टेबल पे प्लॉट किया गया, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आया? किसी एक को अगर रेफरेंस रखोगे तभी तो पता कर पाओगे, और वो रेफरेंस कौन है, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये उसका बेस है, वो ध्यान रखना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उन्होंने नाम ही स्टैंडर्ड है, रेफरेंस ले रखा है। और अगर आपको कोई पूछे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी है, जीरो वोल्ट, जीरो वोल्ट, बट कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए फिर, ठीक है, कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियसली अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो आप जो ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर साइड में लगाया हुआ है इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होने वाली है, स्टैंडर्ड। तो आप पूरी सीरीज पे जो भी वैल्यूज प्लॉट करने वाले हो पूरी सीरीज पे, वो सब वैल्यूज कैसी होने वाली है, स्टैंडर्ड वैल्यू, सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड होने वाली है। राहुल सर। हाँ बोलो सर। इनका अभी लेक्चर है तो आप लेक्चर एंड कर सकते हो? कौन सा लेक्चर है अभी, कोई और लेक्चर है? हस्ताम इसका लेक्चर है इनको अभी केमिस्ट्री 6:30। ओके क्या आप कब तक, आपको एक्सटेंड करना, अभी 7 मिनट तो चलेगा। नहीं 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 फिर रहने दो ना, फिर वैसे भी मैंने ना फिर क्या, मैं पढ़ाते जाऊंगा और टॉपिक कम आगे आगे जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पड़ेगा तो एग्जैक्ट 7 मिनट है तो आपको एक्सटेंड करना है कर सकते हो। नहीं नहीं रहने दो रहने दो, मैं एक्सटेंड नहीं करना क्योंकि फिर मैं समझाने जाऊंगा तो मुझे पूरा फिर पूरा टॉपिक समझाना पड़ेगा, बीच में तो छोड़ के मतलब ही नहीं, ठीक है। वैसे इनको मैंने बेसिक समझा दिया है तो अगले क्लास में हम वैसे ही कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैंने जो समझाया समझ में आया ना? हाँ सर। ये आप देख सकते हो उसका बेस, देखो यहाँ पर चाहिए तो देख लो, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये कोई कनेक्ट किया है और ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो वो गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग आएगी वही है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम यहीं से चालू करेंगे। मैंने जो होमवर्क बोला है वो कर लेना, ठीक है। ओके सर। पूछना है किसी को? सर बायो का होमवर्क बेस किसको, क्या क्या बोला था, मैं भूल गया क्या बोला था होमवर्क। अच्छा हाँ, वो सब वो दिए थे वो, तो एक काम करना पड़ेगा, ग्रुप पे मैसेज डालना पड़ेगा मुझे, वो जतिन को भेज देना, ठीक है। मैं जतिन को बोलता हूँ, मैं जतिन को बोलता हूँ, ठीक है। ओके चलो, और किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय सर। ओके बाय सर। बाय।